बिल्लो रानी को चमका दिया है बिल्कुल। मुझे दिना में कुछ कौन मात कर वही रे। तो भाई साहब दिस रहे हैं इसके कम वड्डा आ रहा है। तो गाइस ये हमसे पूछ रहा है मानी खाई है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यार रात को आ गई थी तेज़ बारिश गांव में, तो अभी ये देखो बिल्लो रानी हालत कैसी हो गई है, ये देखें मिट्टी मिट्टी है। तो अभी हम इसको साफ़ करने लगे हैं, थोड़ी देर में साफ़ करने के बाद आपसे मिलते हैं। चलो गाइस अभी हम धोएंगे बिल्लो रानी को और मीनू धोएगा बिल्लो रानी के टायर। और ये मीनू खड़ा हुआ है और ये अभी टायर धोएगा गाड़ी के, हम गाड़ी को धोएंगे। और ये हमारी संगत सारी हमें देखने आई है। भाई हमने बिल्लो रानी को चमका दिया है बिल्कुल, बगन को भी चमकाएंगे। ओह माय गॉड वाओ। यार हम लोग गाड़ी को सफ़ा करके बिल्कुल चकाचक करके आए हैं घर पे, तो हमारी हालत ख़राब हो गई है देखो। तो अभी हम लोग नहाएंगे धोएंगे, फिर थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर चलेंगे कहीं पे वीडियो बनाएंगे। और ये देखो मीनू के तो हालत ख़राब हो गए, टायर धो धो के ये पड़ा हुआ है। रात को भी तेज़ बारिश आई थी तो अभी भी बारिश वाला सीन लगा पड़ा है, आपको दिखाता हूँ। आप देखो ये बारिश वाला सीन, यार बहुत हेवी सीन लगा पड़ा है बारिश का। तो फिलहाल तो बैठे हुए हम लोग घर पे, तो अभी पानी लगेगा फिर हम लोग नहाएंगे इंशाल्लाह, नहा धो के फिर चलते हैं बाहर, क्योंकि बिल्लो रानी को बाहर ही खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे बहुत कीचड़ हुई, कीचड़ है तो कीचड़ में गाड़ी फंसेगी, फिर ख़राब हो जाएगी और हमें यहाँ पर दर्द होगा। तो हम फाइनल होके फिर चलते हैं बाहर, फिर आपको दोस्तों से मिलाते हैं इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं मीनू को भी व्लॉगिंग का शौक हुआ है, तो ये भी व्लॉगिंग कर रहा है। तो इसकी वीडियोस आप बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि आप देखोगे तो आपको बवासीर हो जाएगा, इसलिए इसकी वीडियोस कभी नहीं देखना। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं अभी मोलू भी आ रहा है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मोलू ने सलवार में टट्टी कर दी है। तो हमने बोला भाई हमें गाड़ी धुलवा दे, तो इसने बोला मैं नहीं धुलवाऊंगा, मेरे को पैसे दो। तो यार ऐसे कौन करता है, ये पैसे मांग रहा था हमसे, हरामी बंदा। हमको पैसे नहीं चाहिए थे हम। अच्छा। ने कहा ये आपका जो डिवाइस है ना इसमें फोन चार्ज करता है, ये मुझको दो, मैं फोन मोन के लिए मैं लगाऊं। ओए वापस रख उसे, फिर मैं दूंगा उसे गाड़ी धोकर। तो इसने मुझे दिना में कुछ कौन मात कर वही रे। तो भाई साहब दिस रहे हैं इसके कम, पार्टी बदल लिया साला। फाइनली यार हम नहा धो के तैयार होके अभी जा रहे हैं बाहर थोड़ा चक्कर लगाने। तो बिल्लो रानी तो वहां पे खड़ी हुई है, अभी हम दूसरी ओताग पे जा रहे हैं। हमारे गांव में दो तीन ओतागे होती है, एक ये खड़ी हुई है लेकिन ये कंगली हो गई है। तो हम जा रहे हैं मामू वाली ओताग पे, पहले हम थे चाचू वाली ओताग पे, अभी हमें मामू वाली ओताग पे। अरे कहना क्या चाहते हो? ये मीनू मेरे साथ जा रहा है, तो ये पानी वगैरह लेके जा रहा है। अभी जा रहे हैं बाहर, गर्मी बहुत है, अभी नहा के निकला हूँ, फिर पसीना पसीना हो रहा हूँ। चलो चलते हैं और ये व्यू चेक करें आप, ये है गांव का व्यू और ये गांव का खटारा स्कूल। वाह क्या सीन है। और ये खटारा मीनू, अभी हम घूम रहे हैं गांव की गलियों में। ये गांव की गलियां बारिश की वजह से ख़राब हो गई हैं। और ये मौसम देखो बहुत प्यारा मौसम हो गया है, अभी लगता है बारिश आएगी लेकिन। तो गए ये अद्धा वड्डा मोटरसाइकिल लेके आ रहा है ओताग पे बैठे हुए हैं, अद्धा वड्डा आ रहा है। तो गए ये हमसे पूछ रहा है मानी खाई है। पोड़ा बैठा है ओताग पे, साई रसूल बख्श खासकेली बैठा है ओताग पे और मीनू उनको पानी पिला रहा है। ये हमारी स्कूल का मास्टर है साई रसूल बख्श खासकेली।
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अद्दा वड्डे के साथ घर मोटरसाइकिल में। ये है अद्दा वड्डा और हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे। हमको बहुत गर्मी लगी है तो अभी हम वंज रहे हैं घर। अभी वंज रहे हो? ये अद्दा वड्डा हमको मठ के जा रहा है घर। जाएंगे घर और लोटी शोटी खाएंगे गरीबाणी। और ये हमारा समंदर। फिलहाल तो हम रस्ते में बन रहे अद्दा वड़ा। तो आपको क्या खिलाओगे? केलो। अद्दा वड़ा केला खाएगा। और हम बन रहे घर। और ये बच्चे खड़े हुए पड़ेगे। ये हम पूज गए घर और हम इस कुकड़ को आज खोएगा। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। तो गाइस ये हमारे गांव के नलके हैं और अद्दा मीनू पानी भर रहा है। अद्दा मीनू ये नलका कैसे चलाते हो आप? ये देखो ऐसे चलाते। गाइस सुबह से बैठे हुए थे तो मैं जाके घर सो गया था। अभी उठा हूँ और आया हूँ बाहर थोड़ा दोस्तों के पास। तो बिल्लो रानी को भी देखते हैं, सुबह से खड़ा किया है इसको बाहर। तो अभी देखते हैं इसकी खबर लेते हैं। और ये चाचू के औकात में खड़ा किया था इसको। ये खड़ी हुई है सामने आपकी बिल्लो रानी। और ये बच्चे भी बैठे हुए हैं कदम नाले, सब गांव वाले लड़के बैठे हुए हैं। बिल्लो रानी भी खड़ी हुई है। तो ये आसिफ की गाड़ी को दिख रहे हैं दोनों। ये गाड़ी को किराएंगे और आसिफ इनको जूते मारेगा। काम चेक करो इनके, राइटर लोग हैं ये। दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज। तैयार फिलहाल तो बैठते हैं औताक पे क्योंकि गर्मी बहुत है। मुझे जाना था बदीन लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं आज। तो देखते हैं अभी खाना खा के या तो रात को निकले या फिर यहीं पे हूँ, सुबह सवेरे निकल जाऊँ मैं बदीन। फिलहाल तो बैठे हैं क्योंकि पूरी वीडियो नहीं बना पाए, गर्मी इतनी है कहीं जा नहीं पाया मैं। मुझे अपनी ज़मीन पे जाना था, अपने खेतों पे घूमना था, वीडियो बनानी थी लेकिन बहुत गर्मी थी नहीं बना पाया। बैठ बैठ के बुरा हाल हो गया, अभी भी पसीना आ रहा है। और ये निसार भाई आए हैं हमारे पास बैठने। सारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। तो यार ये हमारा सर आया है। सर क्या हाल है? ठीक हो सर? बार बच्चे खुश है सर? सारी बच्ची बाबू सारी बच्ची बाई कर रही भैया। दोस्त प्यारा दोस्त तारिक अजीज कल से भागा है और अभी जाहिर हुआ है। तो तारिक कहाँ गए थे यार? यार आऊँ इतने ही बैठो ने मतलब क्या हूँ तुम्हारा? तो यार एक बात बता दूं आपको, ये लोग सिंधी हैं, हम भी सिंधी हैं, तो इनको उर्दू नहीं आती क्योंकि ये पेंडू बंदे हैं, इनको उर्दू नहीं आती, ठीक है ना? तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, ये समझ नहीं रहे हैं, तो इनसे मैं सिंधी में बात करूँगा। और ये तारिक है, तारिक को टट्टी लगी है, अभी टट्टी करके आएगा। तो गाइस आज का थोड़ा व्लॉग हम सिंधी में बनाएंगे क्योंकि ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये सब सिंधी हैं, हमें सिंधी में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे ये लोग। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तैयार है तैयार भी कचारी कचारी अले भी कचारी की बातें तुझको सुनाए। अपनी मछली पल्ला निकालूं, साथ में गाड़ी तुझको खिला लूं। तू गिविल आयो गम को तुझसे मिलाऊं, जाना सिंधु दरिया के किनारे। हम सिंध में रहने वाले चल बोसड़ी के। आंखों की पलकों पे तुझको बिठाए, दिल की बातें तुझको सुनाए। सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे। सामने आके
सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। अपनी गाड़ी रियो निकालू, साथ में जाना तुझको बिठा लूं। अपनी गाड़ी रियो निकालू, साथ में जाना तुझको बिठा लूं। मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। हम सिंधु में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। हम सिंधु तो गाइस ये मी वस रहा है, आधा वडा पुस रहा है और हमारी गाड़ी बच रहा है, आधा वडा पुस रहा है। इस वक्त मैं कपड़ा मार रहा हूँ गाड़ी को, ये आप देख सकते हैं बारिश वस रही है और मैं कपड़ा मार रहा हूँ और आधा वडा इधर बैठा है देखो, और हम कपड़ा मार रहे हैं, हमको बोल भी नहीं रहा है। आप मेहमान हो, आप छोड़ो मैं कपड़ा मारता हूँ, बड़ा कंजर मानू है। देख रहे हैं अभी तक मी वस रहा है और हम पुस रहा है और हम गोट बैठा है, वो हमारी गाड़ी नहीं पुस रहा। तो गाइस ये देखो अभी हमारे गांव में बारिश बहुत हो हुई है, अभी तक बारिश चल रही है, ये देखो। और ये हमारा कजन पागल हो गया है। ये देखो इसको अद्दावत ने बहुत मारा है, गला बला सारे तोड़ दीते। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। तो गाइस जरा अभी हमें गाना सुनाएगी। अपनी गाड़ी करता निकालूं, साथ में जाना तुझको बिठा, मछली पर खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। तो गाइस अड्डा वड्डा बैठा हुआ है बच्चों को लेके और ये बच्चे हमें गाने सुना रहा है। गाइस अभी हम बैठे हुए हैं बाहर तो मौसम का मजा ले रहे हैं, बारिश रुक गई है आप देखो। रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। अभी हम बैठे हुए बाहर, तो पूरा दिन बारिश थी, कुछ वीडियो बना नहीं पाए, अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। जय हो तो इंद से जले ऊंचवर दियो, बस इतना ही। गाने ही मारे शरीर सूखे दे। तो गाइस अभी बारिश रुक गई है, वो हम बाहर निकल के आए हैं और हम यहीं पे लेटे हुए हैं। ये तो देखो बारिश रुकी है, मौसम बड़ा प्यारा हो गया है, तो अभी हम यहीं पे लेटे हुए हैं गाइस। तो अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना।